रीइंबर्स एक्सपेंसेस, रीइंबर्स एक्सपेंसेस ऐसा छोटा सा बुक में या किट में या आपके स्टडी नोट्स में छुपा हुआ टॉपिक है जो आमतौर पे स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं और पेपर में इसका एक एमसीक्यू आ जाता है तो फिर फंस जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो भाई रीइंबर्स एक्सपेंसेस बड़ा आसान सा टॉपिक है। रीइंबर्स एक्सपेंसेस ये होते हैं कि आपने खर्च किया, क्या किया आपने, कंपनी के लिए अपनी जेब से खर्च किया, आपने कंपनी ठीक के लिए अपनी जेब से खर्च किया और बाद में कंपनी ने वो पैसा आपको लौटा दिया। आपने कंपनी के लिए कुछ खर्च किया और कंपनी ने वो पैसे आपको लौटा दिए, इसको कहते हैं रीइंबर्स एक्सपेंसेस। अब मसला ये कि सर कंपनी में हम एक्सपेंस जमा करवाएंगे और कंपनी हमें पैसे दे देगी, ये रीइंबर्स एक्सपेंस है। तो हम भी तो तेज लोग हैं ना, हम अपने पर्सनल बिल भी उस बिल में जमा करवा देंगे, शायद कंपनी से मिल जाए, ऐसा लोग करते हैं, ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, तो ठीक ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्या होता है जब रीइंबर्समेंट प्राइवेट एक्सपेंसेस की हो जाती है और रीइंबर्समेंट बिजनेस एक्सपेंस की होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, एडा, ADA, इसको एक बार आप रीड कीजिएगा। अब ऐडा जो है वो एक जॉब करने वाली बंदी है ना, मार्केटिंग मैनेजर है, कंपनी में जॉब करती है। उसको कंपनी ने क्या दिया, उसको रीइंबर्स किया। रीइंबर्स किया मतलब उसने बिल जमा करवाए और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एक्सपेंसेस हैं कंपनी ने उसको पे कर दिए। जरा गौर से देखना, मैं ग्रीन कलर करूंगा बिजनेस एक्सपेंसेस को। देखो बिजनेस के रिकॉल की ये 85, 85, ये तो प्योरली बिजनेस एक्सपेंस रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक दूसरा, क्लाइंट से मीटिंग करने निकल गई थी ये खातून, तो ये भी बिजनेस एक्सपेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी इसको जो पेमेंट्स हो रही हैं मैंने उसमें बिजनेस एक्सपेंसेस को कलर कर दिया कि भाई ये जो इसको 1, 2, 3, 4, 5 पेमेंट्स हुई हैं, इन 5 पेमेंट्स में ये जो 2 पेमेंट्स हैं ये तो प्योर बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। राइट और रॉन्ग, तो अब इसका रूल क्या है, अगर बिजनेस एक्सपेंसेस की रीइंबर्स हो रही हो, बिजनेस एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट हो रही हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उसको कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाता, उसको नहीं देते, क्योंकि भाई आपने बिजनेस के लिए खर्च किया था, आपने बिजनेस के लिए खर्च किया था और आपको वो पैसा वापसी मिल गया, आपको जाती तो कोई फायदा इससे नहीं पहुंचा। राइट और रॉन्ग, तो ठीक जब जाती फायदा नहीं है तो खली वली, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये एग्जेम्प्ट हो गया, यानी इन दोनों एक्सपेंसेस को साइड कर दिया। मसला अलग है, मसला है आपने जिम का बिल भी जमा करवाया था, आपने अपने घर का लाइन रेंटल जो कि आपका प्राइवेट एक्सपेंस है वो भी जमा करवाया था, यानी आपके इन खर्चों में 2 खर्चे जो मैंने ब्लू लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, ये 2 खर्चे ऐसे नजर आते हैं जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, यानी पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं, पर्सनल एक्सपेंस जो हैं वो रीइंबर्स हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटा फायदा हो रहा है, टैक्सेबल बेनिफिट्स, यानी आपको ये 100 और ये 1200, यानी टोटल 1300
बेनिफिट के तौर पे अपनी एनुअल सैलरी में जो फॉर्मेट है ना सैलरी का, उसमें क्या कर लेने हैं, प्लस कर देने हैं, क्योंकि हैज बेनिफिट बाबा, ये आपके पर्सनल जिम का पेमेंट था, आपके फोन का लाइन रेंट था, और आपको ये गवर्न क्या हो गया, रिइंबर्स हो गया, आपके बिलों के बीच में आपने चला दिया, और अकाउंटेंट भी सोया हुआ था, यू गॉट दिस मनी, सो दिस इज प्योर बेनिफिट, और बेनिफिट भी कौन सा वाला, टैक्सेबल बेनिफिट, गॉट इट, क्या सही है। क्या छोड़ दिया हमने, एक चीज छोड़ दी हमने, क्या है ये चीज, नाम पढ़ेंगे इसका, सर ये 600 का जो अमाउंट है ये कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है। इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन, इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन याद कीजिए, किसी दौर में हमने इसको पढ़ा था, जी जी कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसमें से याद आ रहा है कुछ, नहीं क्या अलाउड एक्सपेंसेस याद हैं, 4 अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं, 4 अलाउड एक्सपेंसेस अच्छा होते हैं, सही सही क्या वो ये उन 4 में नजर आता है कि नहीं आता, प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन, सही है। तो जो जिसका रूल पहले पड़ा हुआ है उसके लिए कोई नया रूल तो इजाद होगा नहीं ना, तो सिंपल इज दैट कि जो आपने पहले रूल डिफाइन किया हुआ है प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन का, ऑक्यूपेशनल पेंशन का, माइलेज अलाउंस का, या पेरोल गिविंग्स का, अलाउड एक्सपेंसेस में आप देख भी सकते हैं, तो उसका रूल तो अपनी जगह खड़ा रहेगा। बात उसकी है जिसका कोई रूल नहीं है, तो रीइंबर्स एक्सपेंस हुआ बिजनेस के लिए तो एग्जेम्प्ट है, रीइंबर्समेंट आपके पर्सनल एक्सपेंस हो गए तो वो टैक्सेबल बेनिफिट बन जाएंगे। और याद करो मैंने बेनिफिट्स के लिए एक फॉर्म नंबर पढ़ाया है P11D, तो ये जो टैक्सेबल बेनिफिट होते हैं ये 1300 है, ये गवर्नमेंट को कैसे नोटिफाई किया जाएगा, P11D के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। इसके साथ हमारा रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस का ये छोटा सा टॉपिक भी पूरा होता है। कोई सवाल?